नमस्कार, मैं हूं अखिल गुप्ता। स्पोर्ट्स विकी में आपका स्वागत है। और आईपीएल 2019 में सत्र का 20वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला जाएगा। बेंगलोर का मैच है दिल्ली के साथ और ये मैच खेला जाएगा बेंगलोर के ही घरेलू मैदान यानी कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में। और जिस तरह का अभी तक बेंगलोर का सफर रहा है इस आईपीएल में, निश्चित रूप से काफ़ी टीम निराश रही है। चिंताजनक टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि टीम की गेंदबाजी एकदम खराब रही है और टीम के फील्डर्स ने भी अभी तक टीम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो वाकई में जो टीम 5 मैच आ रही है उनमें ना सिर्फ बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है बल्कि गेंदबाज और फील्डर्स ने भी अभी तक निराश ही किया है। पिछले मैच की अगर हम बात ले लें तो जिस तरह से टीम ने अच्छा स्टार्ट किया था, बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने कोलकाता के गेंदबाजों के खिलाफ 205 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन उसके बावजूद भी टीम के गेंदबाज उस इतने बड़े लक्ष्य को भी डिफेंड नहीं कर पाए। तो वाकई में बेंगलोर की जो हार की जो 5 हार है उसमें सबसे बड़ी वजह टीम की गेंदबाजी आक्रमण भी रही है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की टीम इनके लिए भी कुछ खास अभी तक आईपीएल देखने को नहीं मिला है। शुरुआत इनकी आईपीएल 2019 में एकदम धमाकेदार हुई थी। पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को उन्हीं के मैदान पर 37 रनों से हराया, लेकिन उसके बाद टीम एकदम बिखरी बिखरी नजर आई। अगर हम बात करें केकेआर वाले मैच की, जो मैच टाई हुआ था वो मैच टीम आसानी से जीत सकती थी, लेकिन सुपर ओवर में गया मैच। सुपर ओवर में टीम ने मैच जीता, 2 अंक टीम को मिले। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टीम बड़ी ही आसानी से मैच जीतकर अपने नाम कर सकती थी, लेकिन 8 रन के भीतर टीम के 7 विकेट गिरे, वहां पे एक शर्मनाक जनक प्रदर्शन देखने को मिला। तो दिल्ली की टीम की हालत भी बेंगलोर से कुछ जुदा नजर नहीं आई है। बात अगर कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की करें तो अभी तक आरसीबी और डीसी के बीच जो है 22 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 15 मैच बेंगलोर की टीम ने जीते हैं, 6 मैच दिल्ली की टीम ने जीते हैं। वहीं एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो इस मैदान पे कुल 10 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच, जहाँ पे आरसीबी ने 6 और दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मैच जीते हैं। बात अगर 2018 और 2017 की आईपीएल की करें तो जो 4 मैच इन दोनों टीमों के बीच खेले गए थे, चारों के चारों मैच बेंगलोर ने जीते थे। तो इस सत्र में बेंगलोर की टीम भले ही लगातार 5 मैच हारी हो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बहुत ही दमदार है। मुझे अगर मैं कुछ संभावित 11 की बात करूं तो मुझे लगता है कि आरसीबी की टीम में एक बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। 5 मैचों में 4 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी की है और खासतौर पर फील्डिंग रही है वो वाकई में चिंताजनक है। उन्होंने अभी तक 4 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी काफ़ी ख़राब रही है। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज की जगह टीम 11 में वॉशिंगटन सुंदर को आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो ना सिर्फ टीम को एक पिंच हिटर मिलेगा बल्कि एक अच्छा गेंदबाज भी टीम को जुड़ जाएगा, जो 4 ओवर में अधिक से अधिक विकेट निकाल के टीम को दे सकता है। क्योंकि हमने देखा था केकेआर के विरुद्ध जिस तरह की गेंदबाजी पवन नेगी ने की थी और युजवेंद्र चहल ने की थी, अगर वॉशिंगटन सुंदर भी उसी प्रकार की स्पिन करने में कामयाब रहे तो शायद बेंगलोर की जीत में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर हम बेंगलोर की संभावित 11 की बात करें तो पार्थिव पटेल, विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स, मार्कस स्टोइनिस, मोइन अली, अक्षदीप नाथ, पवन नेगी, टीम सऊदी, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर। वहीं बात अगर दिल्ली कैपिटल्स की करें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी मेरे को एक ही बदलाव नजर आता है, शायद क्रिस मॉरिस के स्थान पर टीम में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को शामिल किया जा सकता है। क्रिस मॉरिस के लिए भी आईपीएल अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि टीम ने रिटेन किया था लेकिन ना बल्ले से कुछ खास कर पाए ना गेंद से अपनी छाप छोड़ पाए। तो मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट को यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। अगर हम अंतिम 11 की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और क्रिस मॉरिस की जगह पर ट्रेंट बोल्ट, कॉलिन इंग्रम, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा, राहुल तेवतिया, ईशांत शर्मा और युवा स्पिन गेंदबाज संदीप लामिचा ने। तो जिस प्रकार से जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं और जिस प्रकार से आरसीबी की टीम भी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि आरसीबी की टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स की के लिए मैच इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया।